हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्स। मैं दीपक चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की वीडियो में हम जानेंगे टैली के अंदर हम बैकअप और रीस्टोर का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। जब भी आप टैली के अंदर किसी कंपनी में काम करते हैं तब हम उस कंपनी का बैकअप ले लेते हैं ताकि बाद में अगर वो गलती से डिलीट हो जाए हम उसे वापस ला सकें। इसलिए हम बैकअप और रीस्टोर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने कंपनी ओपन की हुई है दीपक के नाम से, लेकिन मैंने इस कंपनी का बैकअप नहीं लिया। यदि गलती से ये कंपनी मेरी डिलीट हो जाती है तो मैं इसे वापस नहीं ला सकता। तो यहां पर जो है मैं आपको दिखा देता हूं इसे डिलीट करके। यहां मैं ऑल्टर पे जाता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, इस कंपनी को मैं डिलीट करता हूं। यहां से जो है मैं ऑल्ट डी की सहायता से इसे डिलीट कर देता हूं। ये देखिए मेरी जो कंपनी है डिलीट हो चुकी है। फिर से मैं सेलेक्ट कंपनी में जाता हूं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर मेरे पास अब दो कंपनी है, ओम साई के नाम से और राजेश के नाम से। दीपक वाली कंपनी जो है मेरी डिलीट हो चुकी है। अब मैं उस कंपनी को नहीं ला सकता क्योंकि मैंने उस कंपनी का बैकअप नहीं लिया था। तो चलिए जान लेते हैं हम बैकअप किस तरीके से लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जो है ओम साई की कंपनी का बैकअप ले लेता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरी कंपनी ओपन हो चुकी है। यहाँ पर जो है नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैकअप, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी जो है विंडो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेलेक्ट कंपनी टू बैकअप और यहाँ पर आपको दिखाई देगा लिस्ट ऑफ कंपनी। ये वो कंपनी है जो हमारी टैली के अंदर है। फिलहाल मेरे पास दो ही कंपनी है तो दोनों शो हो रही है। आप जो है यदि एक कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं, दो का लेना चाहते हैं, दोनों का भी ले सकते हैं, एक का भी, तीन का भी, चार का भी। तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई देगा सोर्स। यहां पर देखिए सोर्स का जो मतलब है वो है ये जो हमारा सी यूजर पब्लिक टैली ईआरपी 9 डाटा, यानी कि हमारी जो टैली का सेटअप है वो सी ड्राइव के अंदर है। और नीचे ही आपको एक ऑप्शन और दिखाई दे जाएगा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब है यहां पर आप जो अपनी कंपनी का बैकअप लेना चाहते हो वो किस ड्राइव में लेना चाहते हो। तो फिलहाल जो यहां पर भी सी है, यहां पर भी सी है, तो हमें जो यहां पर ड्राइव को चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। स्टार्ट में जाता हूं, कंप्यूटर पे जाता हूं। फिलहाल जो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई है और एच है। मैं जो है सी ड्राइव को छोड़कर इनमें से किसी भी ड्राइव के अंदर इसका बैकअप ले सकता हूँ। फिलहाल जो है मैं डी ड्राइव के अंदर इसका बैकअप ले रहा हूँ। आपके पास जो भी ड्राइव हो, जहाँ भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। फिलहाल मैं डी ड्राइव में लूंगा तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर जो है देखिए मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर जो है मैं डेस्टिनेशन में सबसे पहले डी डालता हूँ, इसके बाद जो देखिए मैं लगाता हूं और यहां पर स्लैश का साइन लगाता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए यहां पर हमसे पूछता है नेम ऑफ कंपनी, आप जो है अपनी किस कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं। मेरे पास दो कंपनी है, मैं ओम साई का लेना चाहता हूं, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं। ये देखिए यहां पर आ गया। यदि मैं दूसरी कंपनी का भी बैकअप लेना चाहूं तो वो भी आ जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा सोर्स में हमारा सी होना चाहिए, डेस्टिनेशन का मतलब हम किस ड्राइव में इसका बैकअप ले रहे हैं। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा एंड ऑफ लिस्ट, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ एंटर प्रेस कर देता हूँ और एक्सेप्ट कर देता हूँ। यहां से मैं इसे यस कर देता हूं। ये देखिए हमारी कंपनी का जो है बैकअप आ चुका है। अब जो है मैं इस ओम साई की कंपनी को डिलीट कर देता हूं। उसके लिए मैं ऑल्टर में जाता हूं, यहां से ऑल्ट डी कर देता हूं। ये देखिए मेरी जो है कंपनी डिलीट हो चुकी है। अब जो है मैं यहां पर सेलेक्ट कंपनी में जाता हूं। फिर से यहां पर आप देख रहे हैं मेरे पास कंपनी नहीं है क्योंकि मैंने उस कंपनी को डिलीट कर दिया है, लेकिन मैंने उस कंपनी का बैकअप लिया था। बैकअप लिया है इसलिए मैं उसको वापस ला सकता हूं। तो इसके लिए देखिए आपको यहां पर एक ऑप्शन और दिखाई देगा बैकअप के नीचे रीस्टोर, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। यहाँ पर देखिए आपकी विंडो जो है इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आपसे पूछता है नेम ऑफ कंपनी, आप जो है किस कंपनी को रिस्टोर करना चाहते हैं। फिलहाल मैंने एक ही कंपनी का बैकअप लिया था, आपको दिखाई दे रहा है ओम साई, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर भी देखिए आपको ऊपर दिखाई दे जाएगा कि हमारी जो है कंपनी का बैकअप है
डी ड्राइव में है और डेस्टिनेशन हमारी सी है। इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। ये देखिए हमारी कंपनी रिस्टोर हो चुकी है। अब जो है मैं फिर से सेलेक्ट कंपनी को सेलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास जो है ओम साई कंप्यूटर की कंपनी आ चुकी है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जो है हम अपनी कंपनी का बैकअप ले सकते हैं। यदि आपकी कंपनी कोई गलती से डिलीट कर दे, आप उसे वापस ला सकें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।